दुनिया के सभी बड़े बड़े बिजनेस जिनमें हजारों लाखों लोग काम करते थे आज भी लॉकडाउन के चलते बंद हो चुके हैं और इनमें से कई कंपनियां तो बर्बाद होने की कगार पर हैं। लेकिन इंटरनेट के इस ज़माने में कई ऐसे बिजनेस हैं जिनको इस टाइम सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो कंपनियां ऑनलाइन काम करती है उनकी ग्रोथ इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। भले ही लोग इस समय अपने घरों में बंद हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई कंपनियों ने तो रातों रात कामयाबी पाई है। संकट के इस दौर में लोगों को सबसे ज़्यादा सहारा इन ऑनलाइन कंपनियों के जरिए ही हुआ है, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो घर से बाहर ना निकल पाने के कारण रुक गए थे, उन्हें अब लोग घर बैठे इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। तो आखिर कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन बिजनेस हैं जो इस समय काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इन ऑनलाइन बिजनेस से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है और इनके तेज़ी से ग्रो होने के पीछे क्या राज है, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों, आज दुनिया एकदम थमसी गई है, लोग अपने घरों में बंद हैं, दुनिया की लगभग हर नामी गिनामी कंपनियां बंद हो चुकी है, सिर्फ बेहद ज़रूरी कामकाज ही चालू है। इस वजह से आज पूरी दुनिया अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही है। लेकिन संकट के इस दौर में ऑनलाइन कंपनियां यानी कि इंटरनेट से काम करने वाली कंपनियां इस दुनिया के लिए वरदान साबित हुई है। इन कंपनियों ने अपना काम ना सिर्फ अभी तक चालू कर रखा है बल्कि इनमें से कई ऑनलाइन कंपनियां तो ऐसी है जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड का खूब फायदा उठाया है और अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो किया है। इन ऑनलाइन कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने की फैसिलिटी यानी वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। इस वजह से कामकाज में कोई रुकावट नहीं है। इसका फायदा लोगों को भी हो रहा है, वे कई जरूरी काम इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। आज सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग्स पर ताला लगा हुआ है, इस वजह से स्टूडेंट्स की स्टडी में रुकावट आ गई है और इसका फायदा उठाया है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने। चाहे वे स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज के, या वे किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी गवर्नमेंट जॉब की, आज उनके लिए हर ऑनलाइन कोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस तरह कई स्टूडेंट घर बैठे इंटरनेट के जरिए अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वजह से आज इन ऑनलाइन कोचिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स में भी काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। ये अपनी कोचिंग के प्रमोशन के लिए न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। आज कई बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंटरनेट की दुनिया में पैर पसार रहे हैं। फ्यूचर में भी इस सेक्टर में कितना कंपटीशन होगा इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो वे इस समय इंटरनेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से Netflix, Amazon Prime, Hotstar जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस समय लोग YouTube, TikTok जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। इस वजह से इनके सब्सक्राइबर भी इन दोनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई मूवीज़ और सीरियल्स भी इन दोनों ऑनलाइन रिलीज हो रहे हैं। बैंकों में इस समय लिमिटेड कामकाज ही चालू है, इस वजह से नेट बैंकिंग और ई वॉलेट का ही लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। लोग घर बैठे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसी ईजी एप्लीकेशंस का यूज़ करके मनी ट्रांसफ़र या बिल पे कर रहे हैं। वहीं इस समय बिजनेस ओनर अपने एम्प्लॉयज़ से मीटिंग करने के लिए जूम, गोटू मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से इन कंपनियों को काफ़ी मदद मिल रही है। वहीं कई जगह ई कॉमर्स कंपनियों को काम करने की परमिशन दी गई है, जिस वजह से लोगों को बिना घर से बाहर निकले होम डिलीवरी मिल रही है। तो इस तरह संकट की इस घड़ी में ये ऑनलाइन कंपनियां लोगों का बड़ा सहारा बनकर उभरी है और लोगों को घर बैठे कई जरूरी सेवाएं पहुंचा रही है। ईजी और हेल्पफुल होने की वजह से ये सेक्टर फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल धीरू टॉक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।